सोनाली फोगाट, एक और सेलिब्रिटीज़ का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इससे पहले कुछ दिनों पहले ही जो है वो राजू श्रीवास्तव को भी दिल का दौरा पड़ा था और वो अभी तक जो है अस्पताल में हैं। अभी अस्पताल से उनकी छुट्टी नहीं हुई है। और इससे पहले जो है सौरभ गांगुली को भी दिल का दौरा पड़ चुका है और इस समय तो वो स्वस्थ हैं, लेकिन जब हम चाहे सौरभ गांगुली देखें, चाहे राजू श्रीवास्तव देखें और चाहे जो है सोनाली फोगाट देखें, ये तीनों ही जो है अपने आप में जो है बहुत फिट व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और ये जो है आइकन है एक तरह से जो है फिट रहने के प्रति। तो आखिर ऐसी क्या स्थितियां आ जा रही हैं कि इस उम्र में जो है, अभी सोनाली फोगाट सिर्फ 41 साल की थी और इस उम्र में जो है इनको जो है वो दिल का दौरा पड़ जा रहा है, जबकि इनका जो है वो रहन सहन और उनका जो है खाना पीना बहुत जो है उच्च स्तर का होता है। तो आज हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ जाता है तो उसको जो है उस वक्त क्या करना चाहिए, और इसके बारे में मेरा एक वीडियो जो है आ चुका है, उसमें हमें CPR जो है वो कैसे देना चाहिए ये बताया गया है। लेकिन अगर कभी ऐसी स्थिति हो कि किसी कारणवश जो है वो CPR भी ना दिया जा सके तो आप जो है वो उस स्थिति में क्या करें। तो इस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति जो है अपने सीने में जो है दर्द की प्रॉब्लम बताए, सीने में उसको जो है काफ़ी दर्द हो, तो आप उसको जो है वो लगभग एक काफ़ी बड़ा टुकड़ा जो है वो अदरक का जो है लाके दें। और ऐसी स्थिति में ज़रूरी नहीं है कि आप अदरक को छीलें, उसका छिलका उतारें, आप उसको सीधे जो है धो के और ऐसे ही उस व्यक्ति को दे दें और उसको जो है उस अदरक को चबाने को कहें। और जब वो अदरक जो है, अदरक की जो गांठ होती है उसको जब वो चबाएगा तो उसको चबाने से जो है वो काफ़ी तीखी होती है जो है, और उससे जो है उसके आंसू निकलेंगे जो है। और ये आंसू निकलने की जो प्रक्रिया है इसमें इसलिए निकलते हैं क्योंकि अदरक में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड से जो है जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, और डायलेशन भी सबसे पहले वहाँ पे होता है जहाँ पे किसी तरह की जो है रुकावट हुई होती है। तो इस स्थिति में जो है आपको अदरक और लहसुन, ये दो चीज़ें जो है किसी व्यक्ति को जो है वो चबाने के लिए देनी चाहिए। और इसमें भी जो है अदरक और लहसुन में जो है अदरक ज़्यादा बढ़िया है, और अदरक के ना रहने पे आप लहसुन जो है दे सकते हैं। और दूसरी स्थिति ये रहती है कि इसी चेस्ट पेन में अगर व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है, ये स्थिति जो थी ये कॉन्शियस वाली थी, यानी कि इसमें व्यक्ति चबा सकता है, और अगर दूसरी स्थिति में वो सीने के दर्द के साथ यानी कि चेस्ट पेन के साथ अनकॉन्शियस हो जाता है तो उस स्थिति में आप जो है वो लाल मिर्च जो है या हरी मिर्च जो भी आपको हो ताजी, उसको आप जो है जल्दी से कूट के उसकी जीभ के जो है वो नीचे रख देंगे। और लाल मिर्च या हरी मिर्च जो है जब आप कूट के जीभ के नीचे रखेंगे, जो बेहोश हो चुका है, जो अनकॉन्शियस व्यक्ति है, तो उससे जो है वो होश में आ जाएगा, और होश में आने के तुरंत बाद फिर वो अपने सीने में दर्द बताएगा, और सीने में दर्द जब वो बताएगा तो आपको जो है उसे अदरक या फिर जो है लहसुन जो भी चीज़ हो वो चबाने को जो है आपको देना है। और इसके बाद जो है वो आपको जो है डॉक्टर के पास ले जाना है। और अगर वो होश में होता है या अगर वो बेहोश हो गया है और उसके बाद होश में आता है तो आपको किस स्थिति में बैठाना है वो मैं आपको जो है वो बताता हूँ। और अगर किसी व्यक्ति के आपके घर में तेज सीने में दर्द होने लगे तो आप उसको जो है तुरंत सहारा लेकर और इस तरह से जैसे मैं बैठा हुआ हूँ ऐसे आप उसको बैठा दें, और उसकी जो पीठ है वो आप दीवार से लगा दें, और दीवार से लगाने के बाद आप उसके ये दोनों पैर इस तरह से उठाएं जैसे ये है, और आप सीने से जो है ये थाई जो है ये लगा दें। इससे जो है सीने में काफ़ी हद तक जो है वो दर्द कम हो जाएगा और जो डैमेज होने की संभावना है वो भी जो है काफ़ी कम हो जाएगी। और जब आप इस स्थिति में किसी को बैठा देंगे तो मुश्किल से इस स्थिति में बैठने में 1 या 2 सेकेंड का समय लगेगा, और आप उसके बाद उसे अदरक या लहसुन खाने को दे सकते हैं। धन्यवाद।